नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में भारत चीन सीमा पर स्थित पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के वीर जवानों पर कायरतापूर्ण हमले में भारत के शहीद हुए 20 जवानों की मौत से पूरे देश में चीन के राष्ट्रपति व चीन के खिलाफ काफी आक्रोश और गुस्सा है। इसको लेकर जिला के डुमरियागंज भाजपा कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूका और चीन के खिलाफ जबरदस्त चीन मुर्दाबाद के नारेबाजी लगाए। भाजपा नेता अजय पांडे ने लोगों से आह्वान किया कि कोई भी देशवासी चाइना का सामान न इस्तेमाल करे और न ही खरीदे। चीन ने 20 सैनिक को शहीद करके हमें गहरा जख्म दिया है। इस दौरान रमेश पांडे, अशोक श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मकेश्वर पांडे, कमलेश चौरसिया, कन्हैया गुप्ता आदि मौजूद रहे। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। यही है कि क्या नाम है, हमारे सेना से वहाँ की सेना से झड़प हुई, उसमें क्या नाम है हमारे जी सैनिक शहीद हो गए झड़प में, उनका हम लोग की हमारी सेना भी जवाब दी। अच्छा संख्या में वहाँ का नुकसान हुआ, लेकिन वो अपना आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक इंच जमीन हम वहाँ से खाली कर रहे हैं। मामला ये है कि चीन और भारत के बीच में लद्दाख सीमा पे काफ़ी दिनों से एक संघर्ष चल रहा है सीमा को लेकर के। चीन जैसे पहले करता आया था कि 4 फीट अंदर घुस करके और 2 फीट पीछे हट करके, लेकिन उसके बावजूद भी 2 फीट वो अपने नियंत्रण में लेता था। काफ़ी बातचीत चली, सैनिक स्तर पे वार्ता चली, लेफ्टिनेंट स्तर पे वार्ता चली, लेकिन परसों 15 तारीख को चीनी सैनिकों ने धोखे से, उनको जाना था 5 किलोमीटर पीछे, लेकिन न जा करके धोखे से हमारे सैनिक जो अपने बॉर्डर में ही थे उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया, राड से, पत्थर से, बल्लम से, तो हमारे 20 सैनिक मारे गए। लेकिन हमारे सेनाओं ने तो बदला ले लिया, तुरंत ही ले लिया और चीन के 43 सैनिक को तुरंत ही मार दिया। आज वही धोखेबाज चीन, धोखेबाज जिनपिंग का हम लोगों ने यहाँ विरोध किया है, पुतला फूंका है, और हम सब लोगों ने यहाँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनमानस हो, सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग न चीन का सामान खरीदेंगे, न चीन को बढ़ावा देंगे। हम पूरे तरह से बहिष्कार करते हैं और आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि यह क्षम्य नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम सब लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करते हैं, इसीलिए आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल प्रभारी बालमुकुंद जी के, रमेश जी, कमलेश जी के, सबके सहयोग से, सभी कार्यकर्ता, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग मिलकर के, और यहाँ जिनपिंग का पुतला हम लोगों ने फूंका है और आगे भी यह विरोध जारी रहेगा। क्या आपका नाम क्या है नेताजी? अजय पांडे।